सो हेलो फैमिली, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे आप सभी लोग। तो भाई हमेशा की तरह काम करने वाले हैं लगभग जोमेटो के अंदर 7 बजे से लेकर 11 बजे तक। और आज भाई तारीख है 22 फरवरी 2024 और वार है गुरुवार, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल मैं अपने जोन में आ चुका हूँ और जोमेटो के अंदर हो चुका हूँ लॉगिन। और जोमेटो का बैग वगैरह सब कुछ मैंने बांध दिया गाड़ी पर, और आप लोग देख सकते हो भाई जोमेटो का बैग मैंने बांध लिया। और ये अपना व्लॉगिंग सेटअप है, हेलमेट वगैरह, ठीक है ना। तो आज भाई ना तो फ़ोन पूरी तरह चार्ज है और ना ही हमारा गोप्रो चार्ज है, दोनों ही मतलब 50% है। मतलब फ़ोन तो 30% चार्ज है और गोप्रो लगभग 40 या 45% है। तो आज कितना साथ देगा गोप्रो और फ़ोन दोनों, उसका कोई भरोसा नहीं है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ भाई फ़ोन हमारा साथ दे, लगभग 4 घंटे काम करने वाला, 4 घंटे तक तो एटलीस्ट चालू रहे, ठीक है ना। हालांकि मैं केबल लेके आया हूँ घर से और भाई गाड़ी पर भी चार्जिंग का सॉकेट है, तो वहाँ पर मतलब थोड़ा टाइम लगता है चार्ज होने में। कम से कम भाई 10 मिनट में 2% चार्ज करता है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे भाई, जब ऑर्डर लेके जाएंगे, लोकेशन लगाएंगे ना कस्टमर ड्रॉप का, ठीक है ना, तो वहाँ पे क्या करेंगे, चार्जिंग डाल के लेके जाएंगे, ठीक है ना। चार्जिंग डाल के लेके जाएंगे ताकि हमारा जो फ़ोन है वो बाकी का जो बैकअप है 30% वो बचा रहेगा और जो चार्जिंग डाला हुआ है उससे चलता रहे, अपना मैप वगैरह चलता रहे, ठीक है ना। तो ऐसा करेंगे, ठीक है। बाकी अभी टाइम हो रहा है लगभग 7:05, ठीक है। तो 7 बजे से पहले पहले मैं लॉगिन हो चुका था, ठीक है ना। लगभग मैं घर से निकला था भाई, आज घर पे ही था, जॉब पे गया नहीं, ठीक है ना। घर से मैं निकला लगभग 6:50 पे और 7 बजे से पहले पहले मैं लॉगिन हो चुका, लगभग 7 बजे से 1-2 मिनट पहले मैं लॉगिन हो गया, ठीक है ना। अभी चलते हैं भाई सिटी सेंटर, क्योंकि वहीं से अपने को ऑर्डर मिलना स्टार्ट होगा। तो भाई कल तो थोड़ा अर्निंग हिसाब का हुआ, बट उससे पहले दिन मतलब जो कल नहीं परसों बहुत कम अर्निंग हुआ, ठीक है ना। तो उस दिन भाई टारगेट 400 रुपये का भी पूरा नहीं हुआ, ठीक है ना। तो कल शाम को तो भाई 500 रुपये का टारगेट कंप्लीट हो गया, लगभग 507 रुपये की अर्निंग हुई है। और वो वीडियो भाई अपलोड नहीं हो पाएगा क्योंकि भाई मैंने कैमरा का जो है मेमोरी को फॉर्मेट कर दिया और वो वीडियो अब चला गया, ठीक है ना। कल का वीडियो आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आज का वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ठीक है ना। तो चलिए अभी चलते हैं सिटी सेंटर और वहाँ पे मिलते हैं आप लोगों से फर्स्ट ऑर्डर के साथ, ठीक है ना। और बाकी जो भी ऑर्डर टू ऑर्डर आप लोगों के साथ अपडेट होगी वो देता रहूँगा और एंड में आप लोगों को बताऊँगा कि मेरी अर्निंग कितनी हुई 4 घंटे काम करने के बाद, वो सारा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों सिटी सेंटर। तो गाइस मुझे पहला ऑर्डर मिला है केरला होटल से और भाई मैं पहुंच चुका हूं केरला होटल के पास में, ये आप लोग देख सकते हो। फर्स्ट फ्लोर पे जाना पड़ेगा और वहां से ऑर्डर को पिकअप करना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं ऑर्डर हमारा रेडी हुआ या नहीं हुआ है ऊपर जाके। 58 32 ऑर्डर कर लेना। ये देख लो रेडी तो है, कहां ले जा रहा हूं, ये दिखाना पड़ेगा। हां क्यों एड्रेस क्यों पूछ रहे थे? अच्छा ठीक भैया, वेलकम। चलो गाइस ये ऑर्डर भी कंप्लीट हो गया, 30 रुपये का ऑर्डर, 10 रुपये का इंसेंटिव, 40 रुपये की अर्निंग हुई है। देखते हैं आगे क्या होता है। 78 11 दोनों एक साथ ही है भैया, थाली और ये बिरयानी दोनों साथ में है। हाँ रेडी कर दो, हाँ एक थाली और बिरयानी। सर लोकेशन पे खड़ा हूँ, जोमेटो से ऑर्डर है ना। हाँ जी लास्ट में ठीक, ओके जी। ऑनलाइन करोगे वो आ जाएगा, स्कैन करोगे तब। वेलकम। हाँ दोनों ये रसराज रेस्टोरेंट से ऑर्डर बताया, PWD सर्कल। चलो भाई PWD सर्कल चलते हैं और वहाँ से ऑर्डर को पिकअप करते हैं। वैसे रास्ते में है, ATM से पैसे भी जमा करवाना है मेरे को, तो वो भी काम हो जाएगा। स्पेशल लस्सी गेस्ट हाउस है, गेस्ट हाउस है ना। सुबह सामने आप लोग देख रहे हो ये है घंटा घर की घड़ी, ऊपर टॉप में मंदिर टाइप का सिंबल है और नीचे की तरह भाई घड़ी है। पत्थर बड़े खतरनाक है भाई, गाड़ी बहुत ज़्यादा जंप कर रही है यहाँ पे। ये बाजार है पूरे कपड़ों वगैरह का, त्रिपाल वगैरह और घर के और सारे सामान, स्टील बर्तन वगैरह बहुत सारे, मतलब जोधपुर का सबसे बड़ा बाजार यही है, हर चीज़ मिलेगी यहाँ पे। तो गाइज अभी मैंने यहाँ से कर लिया चौथा ऑर्डर पिकअप, आई थिंक चौथा ऑर्डर ही होगा मुझे लगता है, शायद मैंने क्लियर देखा नहीं है, ठीक है ना। 3 ऑर्डर मैंने कंप्लीट कर दिया, आप लोगों ने देखा होगा वीडियोज़ के अंदर, ठीक है ना। तो मैं भूल गया थोड़ा सा, सिटी के अंदर फंस गया भाई, ठीक है ना, ट्रैफिक के अंदर भाई सर भी काम नहीं करता।
चलो इस ऑर्डर को पिकअप करते हैं और बता ही देते हैं भाई आपको ये कौन सा ऑर्डर है, ठीक है ना। पहले मेरे कितने ऑर्डर कंप्लीट हो चुके हैं, तो भुगतान के अंदर चलते हैं। और यहाँ पे मेरा 3 ट्रिप कंप्लीट हो चुका है, यानी कि ये 4th ऑर्डर है, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से इस ऑर्डर की ड्रॉप लोकेशन पर। कलिंगा एक्सप्रेस रेलवे स्टेशन रोड, अच्छा वहाँ से ऑर्डर भेजा भाई है, कहाँ का ये देख लेते हैं, बिल देख लेते हैं एक बार, बड़ा ऑर्डर है लंबा। काजरी स्टेप कॉलोनी सेंट्रल एरिड जोन इंस्टीट्यूट, अच्छा राजेश कुमार गोयल, ये काजरी स्टाफ कॉलोनी सेंट्रल एरिजोन रिच इंस्टीट्यूट, अच्छा ये बासनी साइड का है मेरे हिसाब से, है ना। तो चलो यार चलते हैं, मिलते हैं आप लोगों से रेस्टोरेंट पर। गोप्रो, गोप्रो हीरो 9, हाँ माइक वगैरह सब मिला है। गोप्रो शोरूम नहीं है, तो ऑनलाइन मंगाया है, जोमेटो ऑर्डर है। सो गाइस इस ऑर्डर को कंप्लीट करते ही मेरे पास बच चुका है भाई एक ऑर्डर, और अभी मैं उसको पिकअप करने के लिए जा रहा हूँ। लगभग भाई यहाँ से 1.5 किलोमीटर शो हो रहा है लोकेशन इसका रेस्टोरेंट का, और जहाँ से मैंने ऑर्डर कंप्लीट किया वहाँ से 2.5 किलोमीटर हो रहा था, ठीक है ना। 1 किलोमीटर मैं वहाँ से निकल चुका हूँ और पंजाबी चिकन से ही भाई ऑर्डर मिला है। तो लगभग लगभग भाई इस ऑर्डर का जो ड्रॉप डिस्टेंस है 5 किलोमीटर से ऊपर का होना चाहिए, जिस हिसाब से ऑर्डर का जो अर्निंग है लगभग 45-46 रुपये का अर्निंग शो हो रहा था मेरे को, तो उस हिसाब से भाई 5 किलोमीटर से ऊपर का ऑर्डर है, ठीक है ना। तो बाकी वहाँ पे चलते हैं रेस्टोरेंट पे और ऑर्डर को पिकअप करते हैं, देखते हैं लोकेशन कहाँ का है। कंपेयर टू अदर्स डे आज ऑर्डर ठीक मिल रहे हैं, मतलब बैक टू बैक ऑर्डर बच जा रहे हैं। जहाँ पे भी खड़ा हूँ वहाँ से मतलब 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर जितनी भी दूर रेस्टोरेंट है वहाँ से ऑर्डर मिल जा रहा है भाई, तो ये चीज़ अच्छा है भाई, ठीक है ना। क्योंकि यार जब ऑर्डर नहीं मिलता है ना तो थक जाता है, नींद आने लग जाती है यार, क्योंकि वेट करना पड़ता है। जब वेट करते हैं खाली बैठे वेट करते हैं तो फिर और ज़्यादा थक जाते हैं। सो चलो गाइस ऑर्डर पिकअप कर लिया और देखते हैं भाई मैप लगा के एड्रेस कहाँ का है, कस्टमर के कितना दूर है। चलिए यहाँ पे लगा दिया भाई मैप, 6 किलोमीटर का बता रहा है, 6.25 किलोमीटर 6.3 किलोमीटर, ठीक है चलो ड्रॉप कर देते हैं इसको भी। सो गाइस गो टू होम लगा हुआ था और एक ऑर्डर बच गया है, मैंने एक्सेप्ट कर दिया, ज़्यादा नहीं है बड़ा ऑर्डर, सिर्फ 20 या 22 रुपये का ऑर्डर है, ड्रॉप डिस्टेंस भी ज़्यादा दूर नहीं है। तो अभी भाई रेस्टोरेंट पर जा रहा हूँ, तो चलिए मिलता हूँ आप लोगों से रेस्टोरेंट पर। ओके सर वेलकम, ऑर्डर दे दे, पीछे ऑर्डर बच गया, रोमिनोज पिज़्ज़ा। चलो चलते हैं रोमिनोज पिज़्ज़ा पे भाई, इन ज़बरदस्त गलियों के अंदर घुसा दिया जोमेटो ने मेरे को। पर रात में अंग्रेज कहाँ घूम रहा था इन गलियों में, सिटी के अंदर घूमते रहते हैं भाई अंग्रेज। तो यहाँ पे जो है मैं लगा दूँगा भाई ऑर्डर कंप्लीट करने से पहले ही ऑफलाइन के लिए लगा दूँगा, ठीक है ना, ऑप्शन सेलेक्ट कर दूँगा ताकि यार कोई ऑर्डर असाइन ना हो। सो गाइस ऑफलाइन हो चुका हूँ और फाइनली गलियों से बाहर निकल चुका हूँ, अभी जा रहा हूँ वही सीधा घर पे। और फिलहाल मेरे जोमेटो का बैग पीछे बांधा हुआ है तो इसको खोल देता हूँ, कहीं पे गाड़ी रोकूंगा, ठीक है ना, और वहाँ से खोल के जोमेटो का बैग डाल देंगे गाड़ी के थैले के अंदर और फिर सीधे के सीधे निकल जाएंगे। एक बहुत बड़ी मुश्किल सामने आ गई भाई, पेट्रोल नहीं है गाड़ी में बिल्कुल भी, और पेट्रोल पम्प पता नहीं बंद है या चालू है भाई, अभी बंद हो गया होगा तो भाई समस्या हो जाएगी यार, रात में घर कैसे जाऊँगा, समस्या हो गई, पूरा का पूरा मीटर डाउन पड़ा है। बस भगवान की कृपा से भाई पेट्रोल पंप चालू हो, मेरे को दिख तो रहे हैं लोग पंप पे, बस यार चालू होना चाहिए। अच्छा भाई चालू है, चालू है यार, मज़ा आ गया, नहीं तो समस्या हो जाती। 200 रुपया कर दो, 200 कर दो लो। तो भाई हवा भी भर लिया और पेट्रोल भी भरा दिया, ठीक है पेट्रोल पंप खुला था। चलो भाई अभी घर चलते हैं एंड जो भी अर्निंग हुई है एंड तेल खर्चा कितना हुआ, तेल खर्चा निकाल के मेरी अर्निंग कितनी होती है वो घर पे चल के आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए भाई मिलता हूँ आप लोगों से घर जाके।